यू कैन नॉट डिपेंड ऑन योर आईज व्हेन योर इमेजिनेशन इज कंप्लीटली आउट ऑफ फोकस. यानी कि अगर आपकी थॉट्स आउट ऑफ कंट्रोल है, आपको किस डायरेक्शन में फोकस करना है, किस पर फोकस करना है, ये बिल्कुल भी क्लियर नहीं है. करियर पे फोकस करना है कि डिस्ट्रैक्शंस पर फोकस करना है. जब आपका फोकस राइट डायरेक्शन में नहीं होता तो रास्ते में मिलने वाली अपॉर्चुनिटीज का एहसास आपको कभी नहीं लग सकता. हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू vidya.in. आज हम आपके लिए राजस्थान की एक और यूनिवर्सिटी की डिटेल में इंफॉर्मेशन लेके आए हैं और उसका नाम है जगन्नाथ यूनिवर्सिटी. 2008 का एस्टैब्लिशमेंट है, यूजीसी अप्रूव्ड, नैक अप्रूव्ड प्राइवेट यूनिवर्सिटी है. किन किन कोर्सेज के लिए आप इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी को एक्सप्लोर कर सकते हैं, प्लेसमेंट कैसा है, इसकी रैंकिंग, फीस स्ट्रक्चर, एलिजिबिलिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, सभी चीजों को आज की अपनी इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. अगर आप इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के बारे में और डिटेल में जानना चाहते हैं, इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं, तो लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप उस पर क्लिक करके सभी इंफॉर्मेशन को चेक कर सकते हैं. और अगर आपके मन में कोई भी डाउट आता है, वीडियो को देखते समय कोई भी क्वेश्चन आता है, तो आप हमसे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम या फिर हमारी वीडियो में कमेंट करके अपने सभी डाउट्स हमसे क्लियर कर सकते हैं. हम कोशिश करेंगे कि आपके सभी क्वेश्चन के आंसर हम आपको जल्दी से जल्दी दें. अब आप हमसे हमारी ऐप को डाउनलोड करके भी कनेक्ट कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं और काउंसलिंग सपोर्ट ले सकते हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. गेट रेगुलर अपडेट्स ऑन कोर्सेज, कॉलेजेस, करियर एंड स्कॉलरशिप्स. सब्सक्राइब vidya.in. सबसे पहले हम इसके इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं. जगन्नाथ यूनिवर्सिटी AICTE अप्रूव्ड, UGC अप्रूव्ड, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, ICAR से अप्रूव्ड है, जिसका कैंपस अप्रॉक्स 45 एकड़ के एरिया में टोंक रोड में बना हुआ है, जो कि जयपुर सिटी से या फिर रेलवे स्टेशन से अप्रॉक्स 45 से 50 मिनट्स की दूरी पे है. कैंपस में आपको सभी फैसिलिटीज लाइक फुल्ली वाईफाई कैंपस, स्मार्ट क्लासरूम्स, लाइब्रेरी, ऑडिटोरियम, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, सेपरेट बॉयज एंड गर्ल्स हॉस्टल, जिम्नेजियम, कैफेटेरिया, ट्रांसपोर्टेशन, सभी फैसिलिटीज विद इन दी कैंपस मिलती हैं. अगर हम इसकी रैंकिंग की बात करें तो इंडिया टुडे ने इसको MBA कोर्स के लिए 194 की रैंक दी हुई है. इसके अलावा किसी और कोर्स के लिए इसकी कोई रैंकिंग नहीं है. जगन्नाथ यूनिवर्सिटी के काफी सारी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज के साथ एकेडमिक कोलैबोरेशन भी है. इसके साथ साथ इसका इंडस्ट्री कोलैबोरेशन रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड, इंफोसिस, इंटेक्स, एयरटेल, HDFC बैंक, जेनपैक, जेके लक्ष्मी सीमेंट, कोटक महिंद्रा बैंक, मारुति सुजुकी, क्रोमा, आईबॉल जैसी कंपनीज के साथ भी है. आई होप आपको पता है कि अब आप vidya.in के थ्रू कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज में ऑनलाइन वन क्लिक में अप्लाई कर सकते हैं और आपको काफी सारे एप्लीकेशन फॉर्म्स में डिस्काउंट भी मिल जाता है. इसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप चेक कर सकते हैं. अब हम आपको यहाँ के ऑफर्ड कोर्सेज के बारे में बताते हैं. जगन्नाथ यूनिवर्सिटी से आप इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, कंप्यूटर एप्लीकेशन, फार्मेसी, लॉ, पैरामेडिकल की फील्ड में UG एंड PG कोर्सेज कर सकते हैं. अगर हम इंजीनियरिंग की बात करें तो आप यहाँ से BTech, MTech डिप्लोमा कोर्सेज कर सकते हैं. BTech, MTech आप यहाँ से डेटा साइंस, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग जैसी ब्रांचेस में कर सकते हैं. यहाँ की BTech एंड MTech कोर्सेज की फीस अप्रॉक्स 1 लाख पर एनम की है और डिप्लोमा कोर्स की फीस अप्रॉक्स 75,000 पर एनम की है. इसी तरह से आप यहां से बैचलर इन आर्किटेक्चर BArch भी कर सकते हैं, जिसकी फीस 1,35,000 की है. आप डिप्लोमा इन आर्किटेक्चर भी कर सकते हैं, जिसकी फीस अप्रॉक्स 55,000 पर एनम की है. मैनेजमेंट की फील्ड में आप यहां से BBA, MBA कर सकते हैं. BBA आप यहां से ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन, डिजिटल मार्केटिंग, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, सिक्योरिटी मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मार्केट्स, हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर मैनेजमेंट में कर सकते हैं. BBA की यहां की फीस अप्रॉक्स 75,000 की है. इसी तरह से MBA भी आप काफी सारे स्पेशलाइजेशन जैसे कि फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्स, मार्केटिंग, ऑपरेशन एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट, डिजिटल मार्केटिंग जैसे स्पेशलाइजेशन के साथ कर सकते हैं, जिसकी फीस अप्रॉक्स 1,57,000 से 1,65,000 पर एनम की है. कंप्यूटर एप्लीकेशन में आप यहां से BCA कर सकते हैं, जिसकी फीस 85,000 पर एनम, MCA कर सकते हैं, जिसकी फीस अप्रॉक्स 97,000 पर एनम की है. लॉ की फील्ड में BA LLB एंड BB LLB कर सकते हैं, जिसकी फीस 1,05,000 पर एनम की है. LLM कर सकते हैं, जिसकी फीस अप्रॉक्स 91,000 पर एनम की है. फार्मेसी की फील्ड में डी फार्मा कर सकते हैं, जिसकी फीस 1,20,000, बी फार्मा कर सकते हैं, जिसकी फीस 1,05,000 पर एनम की है. आप BPT एंड MPT कर सकते हैं, जिसकी फीस 99,000 पर एनम. BSc इन कार्डियोवैस्कुलर टेक्नोलॉजी कर सकते हैं, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी कर सकते हैं, BSc इन न्यूट्रिशन एंड डायटिक्स कर सकते हैं, BSc इन फॉरेंसिक साइंस कर सकते हैं. इसके साथ साथ आप BSc ऑनर्स इन एग्रीकल्चर भी कर सकते हैं, जिसकी फीस अप्रॉक्स 1,25,000 पर एनम की है.
अब हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। अगर आप यहाँ के यूजी कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो 12th में 50% अरब मार्क्स होने पर मेरिट बेसिस पे आप अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो ग्रेजुएशन में 50% अरब मार्क्स होने पर आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप यहां से बीटेक सीएससी करना चाहते हैं तो 12th में 60% अरब मार्क्स होने चाहिए, तभी आप मेरिट बेसिस पे डायरेक्ट एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या फिर जेडब्ल्यू मेंस की रैंक के बेसिस पर भी आप यहां पर एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आप यहां से बी फार्मा या फिर बीबीए कोर्स करना चाहते हैं तो 12th में 55% मार्क्स होने पर आप यहां पर मेरिट बेसिस पे डायरेक्ट एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप यहां से एमबीए या फिर एमटेक कोर्स करना चाहते हैं तो ग्रेजुएशन में 50% अरब मार्क्स होने पर आप यहां पर मेरिट बेसिस पे डायरेक्ट एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जगन्नाथ यूनिवर्सिटी के ज्यादातर कोर्सेज में आपको मेरिट बेसिस पे डायरेक्ट एडमिशन मिल जाता है, तो लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप उस पर क्लिक करके इनके सभी कोर्सेज की फीस स्ट्रक्चर को चेक करके आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम हॉस्टल की बात करें तो जगन्नाथ यूनिवर्सिटी में विद इन दी कैंपस आपको सेपरेट बॉयज एंड गर्ल्स हॉस्टल मिलता है। यहाँ के 2 सीटर रूम की फीस 1,10,000, 3 सीटर रूम की फीस अप्रॉक्स 86,000 और 4 सीटर रूम की फीस अप्रॉक्स 76,000 पर एनम की है। फ्रेंड्स, अब हम आपको यहाँ के प्लेसमेंट के बारे में बताते हैं। जगन्नाथ यूनिवर्सिटी अपना हाईएस्ट प्लेसमेंट अप्रॉक्स 12 लाख और मिनिमम प्लेसमेंट अप्रॉक्स 4 लाख पर एनम का क्लेम करती है। यहां से आपको एयरटेल, क्रोमा, एचडीएफसी बैंक, इंफोसिस जैसे कॉर्पोरेट्स में एडमिशन मिल सकता है। बट जब हमने इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के लिए स्टूडेंट्स के रिव्यूज चेक किए तो हमें पता लगा कि अगर आप यहां से बीटेक कोर्स करते हैं तो स्टूडेंट रिव्यूज के हिसाब से यहां का बीटेक सीएससी का प्लेसमेंट अप्रॉक्स 50-60% का है। अगर आप यहां से बीटेक सीएससी करते हैं तो आपको 3-5 लाख का एक एवरेज पैकेज मिल सकता है। इसी तरह से अगर आप एमबीए करते हैं तो भी आपको 2-4 लाख का एक एवरेज पैकेज मिल सकता है। नैक ए ग्रेड बेसिस पे काफी सारे स्टूडेंट्स यहां पर एडमिशन ले लेते हैं, बट नैक ए प्लस के साथ साथ आपको इनका प्लेसमेंट भी दिमाग में रखना है। आप जिस भी कोर्स में एडमिशन यहां पर लेना चाहते हैं उसके प्लेसमेंट को सही तरह से चेक करें, स्टूडेंट रिव्यूज चेक करें, एक बार कैंपस विजिट करें, स्टूडेंट से मिलें, तभी एडमिशन लें। और अगर आपके मन में कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप हमसे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम या फिर हमारी वीडियो में कमेंट करके हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर हम आपको जल्दी से जल्दी दें। फ्रेंड्स, आई होप हमारे इस वीडियो से आपको जगन्नाथ यूनिवर्सिटी की सभी इंफॉर्मेशन जरूर मिल गई होगी। इसके साथ साथ लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप उस पर क्लिक करके और भी डिटेल इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल सेलेक्ट कर दें, जिससे कि आपको हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइमली मिलते रहे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।